हेलो एवरीवन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल हॉस्टल वार्डन लैब अटेंडेंट के लिए आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था। मैंने आप लोगों को परीक्षा डेट के संबंध में एक वीडियो पहले भी जो है बनाया था, जहां मैंने आप लोगों को बताया था दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। तो डेट जो है दिसंबर में ही आ गई है, परीक्षा तिथि घोषित तो हो गई है। ऑफिशियल मेन वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ही मेन वेबसाइट पर आते हैं आपके सामने एक पेज आएगा और यहाँ पर आप लोगों को डेट दिखेगी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, होस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, इनकी जो है एग्जाम की डेट। तो आप लोगों का ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम रहेगा, पेन पेपर मोड रहेगा, ठीक है। तो 16, 17 दिसंबर, 23 और 24 दिसंबर, तो ये जो है चार डेट जो है यहाँ पर आई है। 2 शिफ्ट पर डे यहाँ एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो संख्या, एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या जो है काफी अधिक रही है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट भी काफी निकाली गई हैं, प्रिंसिपल की, पीजीटी की, टीजीटी की, ठीक है, हॉस्टल वार्डन की, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी कई वैकेंसी हैं। तो यहाँ चार डेट हैं और आप ये मानकर चलिए कि 16 दिसंबर जो है वो बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम की डेट है, यही मानकर चलें। रिवीजन का जो टाइम है वो बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो है बिल्कुल सेट कर लें। जो भी आप पढ़ चुके हैं रिवीजन स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होती है रिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने फॉर्म जो है हर पोस्ट के लिए भरे गए हैं, एक सीट पर जो है कितने दावेदार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, जिसमें थोड़ा सा जो है आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारी पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।